कि हमने त्योहारों को देखते हुए पहले से 4 टीमों का गठन कर रखा है। ज़्यादा घोर मिलावट या कोई ऐसी केमिकल्स वहाँ मौके पर मौजूद मिलता है तो उसमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। कलचीना गांव में एक व्यक्ति को पकड़ा है जो मावे में केमिकल्स मिला रहा था। पूरे देश में इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है। शारदीय नवरात्रि और दशहरे के बाद करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली और भाई दूज जैसे प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में मिलावटखोर अपनी चांदी करने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए गाजियाबाद का खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बना रहा है। खाद्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के लिए बनाए जा रहे एक्शन प्लान की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार से खास बातचीत की है। इस तरह की तैयारियां अब आपकी हो चुकी हैं, जिस तरह से दिवाली नज़दीक आ रही है, लोग तैयार हैं मिठाइयां खरीदने के लिए और वो लोग भी तैयार हैं जो मिठाइयों में जहर भरते हैं, तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान है आपका? देखिए, हमने त्योहारों को देखते हुए पहले से 4 टीमों का गठन कर रखा है और ये टीमें अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जहाँ कहीं मिलावट की आशंका होती है, नमूने भरे जा रहे हैं और अगर ज़्यादा घोर मिलावट या कोई ऐसी केमिकल्स वहाँ मौके पर मौजूद मिलता है तो उसमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं कि इस तरह से खाने का सामान बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां और अब तक कितने लोग ऐसे पकड़े जा चुके हैं? देखिए, हम लोग महीने में औसतन रूप से 60 से 70 सैम्पलिंग कर रहे थे, जिसको त्योहारों पर हमने 100 से ज़्यादा कर दिया है। सैम्पलिंग रिपोर्टों के आधार पर ही हम लोग पूरा सर्वे करा रहे हैं। साथ ही कलचीना गाँव में एक व्यक्ति को पकड़ा है जो मावे में केमिकल्स मिला रहा था, उसके खिलाफ़ हमने IPC में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अन्य क्षेत्रों में भी लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया या इस तरीके से अगर कोई हमें जानकारी मिलती है तो हम उसमें एक बार जानकारी जांच कराते हैं कि ये सही है या ये फेक वीडियो बनाई गई है। भारी सीजन में जहाँ मिलावटखोर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा टीम भी उन पर लगाम कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स। खाद्य विभाग अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मिलावट खोरों पर कार्रवाई करने के लिए कई दुकानों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जिन दुकानों के सैंपलों में मिलावट पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से जनहित टाइम्स के लिए जितेंद्र गौतम की रिपोर्ट। देखिए, हमने त्योहारों को देखते हुए पहले से 4 टीमों का गठन कर रखा है। ज़्यादा घोर मिलावट या कोई ऐसी केमिकल्स वहाँ मौके पर मौजूद मिलता है तो उसमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। कलचीना गांव में एक व्यक्ति को पकड़ा है जो मावे में केमिकल्स मिला रहा था।